दोस्तों नमस्कार। देखिए हम ग्राम सभा बनकसिया के रहने वाले हैं और ग्राम सभा बनकसिया से तुलसीपुर इलाज कराने के लिए अपने वाइफ के गए। हमने अपने वाइफ का ये पर्ची कटाया और वहाँ गए डॉक्टर मेन अधीक्षक जो हैं सुमन सिंह चौहान, हमने उनको दिखाया। उन्होंने ये पर्ची देखा और उसके बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड का ये रिपोर्ट लिखा। उनके जो आयुष्मान कार्ड वाले हैं उन्होंने गया ये अल्ट्रासाउंड कराए। ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है और अल्ट्रासाउंड होने के बाद डॉक्टर सुमन चौहान ने 5 हफ्तों तक इलाज किया। उन्होंने ये दवा हमको आयुष्मान कार्ड से बाहर से भी दिलवाया। उन्होंने अपना भरपूर इलाज किया। इलाज करने के बावजूद जब हमारे मरीज को आराम नहीं मिला तो डॉक्टर सुमन सिंह चौहान ने कहा, बेटा जाओ आप जिला अस्पताल पर दिखा दो, वहाँ एक से एक सर्जन साहब बैठे हैं, वहाँ आपके मरीज का इलाज हो जाएगा। हम डॉक्टर साहब की बात मानकर चला गए जिला अस्पताल। जिला अस्पताल पर जब पहुँचे उस दिन हमने ये पर्ची कटाया। वहाँ पर पर्ची कटाने के बाद सिर्फ हमारा उस दिन खून का सैंपल लिया गया, हमारे मरीज का खून का सैंपल लिया गया। दूसरे दिन ये अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड की ये रिपोर्ट है और ये वहाँ की पर्ची है और ये खून जांच की पर्ची है। ये सब पर्ची हमको जांच की मिली तो 39 नंबर कमरे में हम डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर साहब ने ये दवा लिखा और एक लड़के को बाहर से बुलाए और बोले कि जाके इनको दवा दिला दो। वो लड़का हमको बाहर मेडिकल पर लेके गया और मेडिकल पर दवा निकलवाया। जब हमने मेडिकल वाले से पूछा क्या इस दवा का पैसा नहीं लगेगा तो मेडिकल वाले ने बताया कि यहाँ कोई अनाथ आश्रम नहीं खुला है, ये 2800 रुपये की दवा है और आपके पास पैसा हो तो दवा ले जाइए, कोई सरकारी दवा नहीं है। हम वहाँ से आए, डॉक्टर साहब के पास आए, फिर डॉक्टर साहब के कमरे में गए। डॉक्टर साहब से बोले कि डॉक्टर साहब यदि हमारे पास 2800 रुपये और 3000 होता तो हम वही लोकल में प्राइवेट में दिखा लेते, यहाँ परेशान होने के लिए बलरामपुर ज़िले में नहीं आते हम जिला अस्पताल दिखाने। और डॉक्टर सुमन सिंह चौहान ने हमको यहाँ भेजा था कि वहाँ बेटा बढ़िया से इलाज हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ आए थे और हमारे पास इतना पर्ची भी नहीं है, पैसा भी नहीं है कि हम दवा ले सके प्राइवेट से। इसलिए आप हो सके तो हमारा आयुष्मान कार्ड पे, मरीज का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, आप आयुष्मान कार्ड पर इलाज करवा दीजिए। डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ आयुष्मान की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ से आए नीचे एक मैडम कंप्यूटर पे बैठी थी। हमने उस मैडम से पूछा कि इसमें कोई भी आयुष्मान कार्ड की सुविधा है मैडम, तो मैडम जी ने बताया कि आपका मरीज ऑपरेशन लायक होगा, चीर फाड़ के लिए लायक होगा, तब आपको इसका सुविधा मिलेगा, नहीं तो इस आयुष्मान कार्ड का कोई सुविधा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास दो अल्ट्रासाउंड है। ये अल्ट्रासाउंड है तुलसीपुर का और ये पर्ची अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट तुलसीपुर की। दूसरा अल्ट्रासाउंड ये है बलरामपुर का और ये बलरामपुर की पर्ची खून जांच और अल्ट्रासाउंड का। इतना जांच होने के बावजूद में आप लोग समझ सकते हैं कि मरीज सीरियस है कि मरीज नॉर्मल है। अगर मरीज नॉर्मल हो तो इस आयुष्मान कार्ड पे दवा नहीं होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं मैं मानते हैं, लेकिन आप दो अल्ट्रासाउंड 1.5 महीने के अंदर होने के बाद में आप सोच सकते हैं कि मरीज सीरियस है। मरीज अगर नॉर्मल होता तो मरीज का दो अल्ट्रासाउंड नहीं होता और डॉक्टर सुमन सिंह चौहान वो हमको जिला अस्पताल पर रिफ़र नहीं करते, क्योंकि डॉक्टर सिंह सुमन चौहान जो हैं वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वो हर एक जो मरीज पहुंचता है उनका बढ़िया से इलाज भी करते हैं, उनका बोल बंधान भी बढ़िया है, उनका हर चीज़ बढ़िया, उनका स्वभाव बढ़िया है। हमारे तुलसीपुर सरकारी हॉस्पिटल का स्टाफ भी बढ़िया है, लेकिन हमने जब बलरामपुर ज़िले में जब कदम रखा तो वहाँ हमको कोई चीज़ सुविधा नहीं मिली। वहाँ बीच वाले जाँच की इसमें जाँच लिखी है 3, बीच वाले जाँच की वहाँ की मशीन ख़राब है, बताते हैं मशीन ख़राब है। हम 3 बार गए हैं लेकिन ये मशीन हमको कभी सही नहीं मिली। 1-2 बार तो हमको बाहर से भी जाँच करवाना पड़ा है और इस बार इसकी जाँच ही नहीं हुई। ऊपर का अल्ट्रासाउंड और नीचे का जांच हॉस्पिटल के अंदर हुआ, बीच वाला जांच नहीं हुआ, और ये दोनों ही जांच हमने डॉक्टर साहब को दिखाया था। और इतने जांच होने के बाद में, इतना सीरियस होने के बाद में मरीज के अगर ये आयुष्मान कार्ड अभी दवा के काम में नहीं आता है तो ये आयुष्मान कार्ड हमारे किस काम आएगा, मरने के बाद काम आएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़कर श्री माननीय मोदी जी और श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अपील करता हूँ कि यदि हमारी ये समस्या आप तक कोई अगर वीडियो शेयर कर पहुंचा रहा है तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा और अपने शर्म सरकारी कर्मचारियों पर जो भी हैं हॉस्पिटल के कर्मचारी उनको भी सख्त करिएगा। कोई भी दवा अंदर से नहीं दी जा रही है, हर दवा बाहर से दी जा रही है। एक हमारे तुलसीपुर का स्टाफ ऐसा है कि जो कुछ दवाएँ नहीं बहुत से दवाएँ मिल जाती हैं, बाकी जिला अस्पताल पर तो लुटाव मचा हुआ है। श्री माननीय प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश
योगी आदित्यनाथ जी, आप तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो आप इस पर जरूर गौर कीजिएगा, जरूर ध्यान कीजिएगा, आपको गरीब की बहुत सी दुआएं लगेगी। और जितने भी जनता गरीब है, दवा के लिए परेशान होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं, अगर वो ये इस वीडियो को देखें तो इस वीडियो को दूसरे के पास जरूर भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये वीडियो श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और श्री माननीय मोदी जी तक पहुंच सके। और अगर ये वीडियो आप लोग तक पहुंचती है तो आप अपने हॉस्पिटल को सुधार दीजिए, समझ लीजिए हिंदुस्तान सुधर जाएगा। क्योंकि अगर गरीब का अगर कोई भी जर है तो उसका जर है दवा और इलाज। अगर उसका दवा अगर हो गया, वो दवा अगर सरकारी हो रहा है, उसका इलाज हो रहा है, तो वो जी खा लेगा। नहीं तो अगर उसको दवा प्राइवेट करा के अगर रहना हुआ तो वो ना जी पाएगा ना खा पाएगा। इसलिए मैं श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूँ कि अगर आप तक ये वीडियो पहुँचे तो आप हॉस्पिटल पे कार्रवाई ज़रूर करिएगा। अगर गवाह सबूत कोई भी चीज़ की अगर ज़रूरत लगे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको कहीं भी आकर अपने सबूत और हर चीज़ के साथ में गवाही दे सकते हैं। बस मेरा इतना ही कहना है। और जो भी जनता जनार्दन है जिनके पास मेरा ये वीडियो पहुँचेगा, आप लोग दोस्तों अपने भाइयों अपने दोस्तों अपने मित्रों अपने हर रिश्तेदारों के पास में शेयर करिएगा। क्योंकि इस दवा का काम हर एक इंसान को है जो पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म पाया हुआ है। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। धन्यवाद।